बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ज़ारा में आप सबका वेलकम है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप लोगों के लिए जो न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, ये दही वाले आलू की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है, एक टमाटर की प्यूरी बना ली है, तीन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज ली हैं, स्पाइसी हैं ये, और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 टीस्पून मैंने करी का पाउडर लिया है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, 1 सबज़ इलायची ली है, 3 अदद लौंग लिए मैंने यहाँ पे, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है यहाँ पे, 1 टीस्पून साल्ट लिया है मैंने, और यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया का पाउडर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/2 किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। आलू उबल गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है बाहर, और इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हमें ऑयल ऐड करना है। इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें आलू हमारे जो उबले हुए वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। अच्छे से भूनेंगे हम इन्हें। पाँच छः मिनट हमने बस इनको भूनना है। बस 1-2 मिनट के लिए हम आलूओं को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और ग्रेवी रेडी करेंगे। आलू मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिए हैं बाहर। अभी पैन में दोबारा से हम 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, 1 ऑयल ले लिया हमने यहाँ पे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें लौंग डालेंगे, इलायची, दालचीनी और जीरा ऐड कर देंगे। प्याज की प्यूरी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें अभी। अच्छे से फ्राई करेंगे हम इसको ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऊपर और डाल रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से भून गया, अब हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और साथ ही ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको फ्राई करेंगे फिर उसके बाद। पानी डालकर हम इसे पका रहे हैं थोड़ा टाइम। यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट पानी खुश, और अभी हम इसमें दही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कप में बाकी दही है, मैं वो भी निकाल लूँ। दो मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ऑयल देख रहे हैं आप, दही से अलहदा हो गया बिल्कुल। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद
मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अभी मैं इसमें आलू ऐड करने लगी हूँ। अभी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये 5-1 मिनट पकेंगे, हमारा शोरबा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दही वाले आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं और अभी हम इनको डिश आउट करते हैं। जी ये फाइनल लुक है हमारे दही वाले आलूओं की, बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी रेडी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल किचन विद ज़ारा को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।